हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट ये फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं, उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की, मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों, सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं, उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में। साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों, साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर, आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर, और भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से, क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर, आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो
बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर यह फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट, एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था, और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे, और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी, एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी, जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAX 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई, और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया, और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है, और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी, एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक, साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम
में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट, एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है।
इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के दो स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिले थे, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी, एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी, जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड स्क्रीन एक्स जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया, और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक, साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी।
2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर इस वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी, उसके लिए उस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है, एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो, जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर, और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को थी। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था, और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे, और
एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं, यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेक स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड स्क्रीन एक्स जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया, और थी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी, क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। DC कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले DC कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थ्रेकली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी, उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है।
एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में। साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती, 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स है वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आते हैं बातें करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D, बॉबी सिनेमा, IMAXI 3D,
4DX एंड स्क्रीनएक्स जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और भी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट ये फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक, साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं, उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों, सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। आज मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी।
कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, मुख्यालय स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और इससे भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती, 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी एक मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स है वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आते बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAX 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोज़
इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट ये फिल्म है, और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, और इस फिल्म की जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी, और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी, उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है, एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेट या हया अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर, और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टेड है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे,
फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर यह फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे। भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी। और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी, जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को। और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट है फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे
ये फिल्म कब रिलीज हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक तो वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, मुख्य स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती, 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है।
मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के दो स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थिएटरिकल रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को। और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड स्क्रीन एक्स जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट है फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके
इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी। 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। आज मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफी, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेट या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी के तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे। फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती, 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें
20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बातें करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेक स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को। और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट है फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो गाइस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। DC कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले DC कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थ्रेकली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है।
एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में। साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बल्कि और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टेड है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, मुख्य स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था, और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स है वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे, और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी, एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बातें करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी, 3D, बॉबी सिनेमा, IMAXI, 3D, 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि Amazon प्राइम
मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस वीडियो को एंड तक, साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डोफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी।
कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी चीज़ें नहीं बस और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती, 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर यह फिल्म 21 दिसंबर यानी एक मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बातें करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेक स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन RED 3D बॉबी सिनेमा IMAX 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो
इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं, उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डोफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे,
फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर यह फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर यह फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे। भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी। और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिले थे, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बातें करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी, जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को। और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन Red D 3D, बॉबी सिनेमा, IMAX 3D, 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे
ये फिल्म कब रिलीज हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की, मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी के तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर यह फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है।
मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के दो स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहाँ पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिले थे, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड स्क्रीन एक्स जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया, और जी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे, ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो का एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा ये फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से
फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी। 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है, एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में। साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे। फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम डीसी के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था, और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स है वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे, और
एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी। एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेक स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को। और उसके बाद फिल्म को एक महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड स्क्रीनएक्स जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और भी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो गाइस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। DC कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले DC कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थ्रेकली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है।
एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं, एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। एज अ मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एज एक्वामैन के भूमिका में। साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी। कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी, और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे, एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, मुख्य लव स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे। फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज़ करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट थे, एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था, और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी, और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। इसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं, एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक्स है वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे, जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे, और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी, एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी, जो कि एम्पायर स्क्वायर लेग स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को, और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D, बॉबी सिनेमा, IMAXI 3D,
4DX एंड स्क्रीन एक्स जैसी बड़ी बड़ी जगह पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी, जो कि अमेज़न प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया। और ठीक के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज़ हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज़ हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्वामैन इस फिल्म के बारे में, एक्वामैन मूवी के बारे में। दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म की सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी जानना चाहते हैं एक्वामैन के बारे में, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मूवी की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आप भी छोड़ना नहीं चाहते, अगर आपको भी सारी चीज़ें मूवी के बारे में देखनी है, तो हमारी इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिए, एंड तक समझिए। काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी हिट फिल्म है और एक डबिंग वाली फिल्म हमें ये देखने को मिलती है। फिल्म की सब कुछ डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे, जानकारी लेंगे। ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये फिल्म किस तरह से रिलीज़ हुई, फिल्म की क्या क्या खासियत थी एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स में हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, हमारे इस वीडियो को एंड तक साथ देखते रहिए, समझिए फिल्म को किस तरह से, मूवी की क्या खासियत हमें देखने को मिली थी। क्योंकि एक्वामैन जैसी फिल्म आज से पहले ज़्यादातर बनी हुई हमें देखने को नहीं मिलती, और आज के टाइम में भी ये फिल्म उसके बाद भी बनेगी या नहीं उसका भी कोई ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते। फिल्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और इस फिल्म के जो भी अद्भुत चीज़ें, जो भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ एंडिंग तक वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फिल्म के बारे में इस वीडियो में हम कास्टिंग देखेंगे, साउंड ट्रैक्स फिल्म के किस तरह के थे, क्या चीज़ें थी साउंड ट्रैक्स की वो देखेंगे। उसके अलावा फिल्म रिलीज़ कब हुई थी, रिलीज डेट कौन सी थी इस फिल्म की, फिल्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके इस फिल्म की मूवी के बारे में चीज़ें एंड इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं किस तरह से फिल्म रही थी। उससे पहले दोस्तों सबको बता दें, ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब फिल्म के बारे में आते हैं देखने को चीज़ें। एक्वामैन जो कि 2018 की एक अमेरिकन सुपर हीरो वाली फिल्म थी, 2018 में ये फिल्म बनी थी, 2018 में आई हुई ये फिल्म थी एक्वामैन, जो कि अमेरिकन एक फिल्म के तौर पर बनाई गई थी और एक सुपर हीरो से जुड़ी हुई या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड ये फिल्म हमें देखने को जहाँ पर मिली थी। डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर ऑन द सेम नेम, तो इससे पहले डीसी कॉमिक की जो कैरेक्टर सीरीज चल रही थी उसमें ये भी फिल्म का इंक्लूड कर लिया गया था। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स जैसी बड़ी कंपनी रखी गई थी, या फिर वार्नर ब्रॉस कंपनी ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट अपने थ्रू किया हुआ हमें देखने को मिलता है। फिल्म थिएटरली रिलीज काफ़ी टाइम पहले ही हुई थी। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम जेम्स वैन द्वारा किया गया था। फिल्म में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टार कास्टिंग इंक्लूड की गई हुई हमें देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्म की स्टार कास्टिंग हमें इस फिल्म में देखने को मिल रही है। फिल्म की स्टार कास्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मूवी के अंदर किरदार थे। लेकिन फिल्म की जो मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार के तौर पर जो स्टार देखने को मिलते हैं उसमें जेनसन मोमो जो कि एक्वामैन का रोल इस फिल्म के अंदर मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं एंड उनका रोल हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। आज मेन लीड रोल वो देखने को मिलते हैं एक्वामैन के भूमिका में, साथ ही उनके और भी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हुए, जिसमें जो सपोर्टिंग कास्टिंग है तो वो तो बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं एम्बर हर्ड, विलियम डॉफाई, पैट्रिक विल्सन, डॉल्फेथ या हया, अब्दुल मार्टिन, लुडिलिन, तैमूरा मॉरिसन एंड निकोल किडमैन जैसे सपोर्टिंग कास्टिंग फिल्म में शामिल थी।
कहने का मतलब दोस्तों साफ ही फिल्म की काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्टिंग कास्टिंग रखी गई थी और एक तरह से बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें भी आवश्यक होती है किसी भी फिल्म के लिए, चाहे कोई भी मूवी क्यों ना हो, बॉलीवुड ही हो या फिर हॉलीवुड की ही क्यों ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं फिल्म के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या फिल्म की और खासियत या फिर मूवी की तरफ से हमें और भी क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है या फिर मिल सकती है इस फिल्म के बारे में। सपोर्टिंग कास्टिंग लगभग 10 से 12 कैरेक्टर इंक्लूड किए गए थे एंड सभी फेमस स्टार ही कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एंड इंडिया के अंदर इन लोगों की वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। आइए फिल्म के अब और कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो कि नहीं आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्टर है जेम्स वैन, प्रोड्यूस पीटर रे, उसके अलावा स्टोरी इस फिल्म की गॉफ जॉन्स के द्वारा लिखी थी, म्यूजिक रूपर्ट जॉर्सन विलियम के थे, फिल्म को एडिट करने का काम कृति मौर्य के द्वारा हुआ था। एक एडिटिंग के तौर पर ये फिल्म काफ़ी बड़ी देखने को भी मिल रही है, तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकेंगे कि इस फिल्म की एडिटिंग आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ेंगे और मूवी के कुछ और हिस्से भी देखते हैं। तो फिल्म की जो बेस है वो कैरेक्टर फ्रॉम DC के कैरेक्टर्स को ही इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ था। एडिटिंग की बात हमने कर ली है। फिल्म का रनिंग टाइम कुल मिलाकर 143 मिनट रखा गया था जो कि काफ़ी बड़ा था। 2 घंटे से भी ज़्यादा ये फिल्म बड़ी देखने को मिलती है। 2 घंटे और 23 मिनट की इसकी लेंथ टोटल रखी गई थी इस फिल्म की। फिल्म दो अलग अलग डेट पर रिलीज हुई थी, जहाँ पर 26 नवंबर को ये फिल्म एम्पायर में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में जाकर ये फिल्म 21 दिसंबर यानी 1 से 1.5 मंथ बाद फिल्म को यूनाइटेड स्टेट में भी रिलीज करना पड़ा था। कंट्री वर्जिन इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट एंड भाषा इसकी अंग्रेजी देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म को हिंदी भाषा में भी डबिंग अवेलेबल की हुई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आज भी ये फिल्म डबिंग के साथ अवेलेबल है। मूवी की कुछ और डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो फिल्म का बजट लगभग 150 से 200 मिलियन के बीच में था और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लगभग 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने में कामयाब हुई थी और एक तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रहती हुई देखने को मिली हुई है। उसके अलावा फिल्म का पोस्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया था, जहाँ पर पोस्टर के ऊपर फिल्म के 2 स्टार ही देखने को हमें मिलते हैं एंड अलग ही अंदाज में फिल्म का पोस्टर जहाँ पर बनाया गया था। फिल्म का बजट एंड बॉक्स ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है। फिल्म की कास्टिंग के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर बात की जाए फिल्म के म्यूज़िक की, तो इस फिल्म में कुछ म्यूज़िक भी थे, कुछ साउंड ट्रैक्स का भी इस्तेमाल इस फिल्म ने अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पर इस फिल्म के अंदर जो ट्रैक लिस्टिंग है यानी कि फिल्म के साउंड ट्रैक थे वो अलग अलग तरीके से थे। 20 साउंड ट्रैक्स इस फिल्म के अंदर हमें कुल मिलाकर देखने को मिले थे जो कि अलग तरीके के हमें देखने को मिलते, जिसमें 20 अलग तरह के साउंड ट्रैक थे और एक तरह से ओरिजिनल मोशन पिक्चर के साउंड ट्रैक भी हमें जिसमें 11 अलग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि साउंड ट्रैक के हिसाब से ये फिल्म काफ़ी बड़ी या फिर काफ़ी अलग से बनाई गई थी एंड हॉलीवुड की कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़्यादा साउंड ट्रैक इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन एक आधी फिल्म होती है जिसमें बहुत सारे साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते फिल्में कभी कभार बहुत ज़्यादा हिट या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा फेल भी होती हमें देखने को मिलती है। गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी, ये तो कुछ मूवी के बारे में थी। अब आई थी बात करते हैं मूवी के थ्रेकल और रिलीज की। तो एक्वामैन वर्ल्ड प्रीमियर की गई थी, एक्वामैन रिलीज हुई थी जो कि एम्पायर स्क्वायर लेक स्टार में लंदन में ये फिल्म दिखाई गई थी 26 नवंबर 2018 को और उसके बाद फिल्म को 1 महीने बाद ही रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट इन रेड डी 3D बॉबी सिनेमा IMAXI 3D 4DX एंड ScreenX जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर। वहीं पर फिल्म की टिकट्स भी अवेलेबल की गई थी जो कि Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्ली यानी कि शुरुआत में ही हमें बिकी हुई देखने को मिलती है। उसके बाद फिल्म की जो एडिटिंग है वो और भी ज़्यादा तगड़ी कर दी गई और फिल्म को हिंदी भाषा में डबिंग का काम भी कम्प्लीट कर दिया गया और भी के कुछ चैनल्स ने इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिल्म को अलग तरीके से भी दिखाया गया, जहां पर फिल्म अलग अलग देशों में रिलीज हुई। चाइना में ये फिल्म 7 दिसंबर को, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम में 12 तारीख को, ब्राज़ील और रशिया में फिल्म 13 तारीख को और 14 तारीख को इंडिया के अंदर। इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फिल्म रिलीज हुई। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोज़
इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फिल्म मूवी के रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को साझा करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोगों तक तो पहुँचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।